नमस्कार दोस्तों आज हम क्वालिफिकेशन पैक रिटेल टीम लीडर और डिपार्टमेंटल मैनेजर के अंदर एक नेशनल ऑक्यूपेशनल स्टैंडर्ड करने जा रहे हैं टू कम्युनिकेट इफ़ेक्टली फेक्टिवली विद स्टेक होल्डर जिसके टोटल थ्री एलिमेंट्स हैं आज हम उनमें से फर्स्ट एलिमेंट करेंगे अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल रिटेल मैनेजमेंट स्किल क्लासेज बाई ए के एम को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें तो स्टार्ट करते हैं टू कम्युनिकेट इफेक्टिवली विद द स्टेक होल्डर एलिमेंट वन सो बिफोर स्टार्टिंग हम देख लेते हैं कि इस नेशनल ऑक्यूपेशनल स्टैंडर्ड में कौन कौन से एलिमेंट्स आते हैं सो मेंट वन हैंडल बिजनेस कम्युनिकेशन मीडियम इफेक्टिवली एलिमेंट टू है कम्युनिकेट इफेक्टिवली विद स्टेक होल्डर्स एंड कस्टमर्स एंड एलिमेंट थ्री है डेवलप एंड सस्टेन इफेक्टिव वर्किंग रिलेशनशिप विद स्टेक होल्डर्स तो यहाँ पे आज हम स्टडी करेंगे एलिमेंट वन हैंडल बिजनेस कम्युनिकेशन मीडियम इफेक्टिवली ठीक है सो देख लेते हैं हम कि स्टेक होल्डर्स क्या होते हैं स्टेक होल्डर्स स्टेक होल्डर्स वो पर्सन या वो ऑर्गेनाइजेशन होती हैं जो डायरेक्टली इनडायरेक्टली बिजनेस से रिलेटेड होती हैं और इफ़ेक्ट करती हैं इसमें हमारे पास तीन तरह के स्टेक होल्डर्स होते हैं इंटरनल स्टेक होल्डर्स जिसमें हमारे पास आते हैं डिपार्टमेंट्स डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हो सकते हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन के देन एम्प्लॉ हो सकते हैं देन ओनर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन देन मैनेजर्स चाहे वो टॉप मैनेजर हो चाहे मिडल हो चाहे लोअर लेवल मैनेजर्स हों नाउ एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स में हमारे पास गवर्नमेंट जिसके रूल्स रेगुलेशन और लॉज को हमें फॉलो करना पड़ता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को सोसाइटी देन ओनर देन ओपीनियन लीडर्स हमारे कस्टमर्स और जो प्रमोटर्स हैं सप्लायर्स जर्नलिस्ट मीडिया ट्रेड यूनियंस जो भी मजदूर यूनियन की आप बात करते हैं इंप्लॉयी यूनियंस की बात करते हैं वो कॉम्पिटिटर्स जो सेम प्रोडक्ट और सर्विसेज के साथ मार्केट में अवेलेबल होता है देन इंटरफेस स्टेक होल्डर्स इंटरफेस स्टेक होल्डर्स वो होते हैं जो एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों ही जगह पे प्रेजेंट होते हैं तो इसमें इसमें हमारे पास हैं ओपिनियन लीडर्स देन क्लाइंट्स ट्रेड यूनियंस अदर ऑर्गेनाइजेशन की ट्रेड यूनियंस भी कई बार इफेक्ट करती हैं जैसे ट्रक यूनियंस करती हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एंड शेयर होल्डर्स नाउ हम डिस्कस करते हैं एलिमेंट वन सो एलिमेंट वन क्या है हैंडल बिजनेस कम्युनिकेशन मीडियम्स इफेक्टिवली इसमें परफॉर्मेंस क्राइटेरिया हैं हमारे पास टोटल एट परफॉर्मेंस क्राइटेरिया हैं एलिमेंट वन के अंडर दैट इज पी सी वन पास ऑन रिटर्न इंफॉर्मेशन ओनली टू डोज पीपल ऑथराइज टू रिसीव इट एंड विद इन Agree time scale. PC two. Keep the information in written documents as required by your organization. Maintain the communication medium in line with your instructions and organization procedure. Make sure the communication equipment you use is working properly. Take corrective action as required. Acknowledge incoming communication promptly and clearly using appropriate technology. PC six pass on information to person who require it within agreed time scale check to ensure that the information you give is understood by the receiver pc7 pca take prompt and effective action when there is difficulty in transmission or reception of information pc1 says start pass on written information only to those people authorized to receive it and within agreed time scale so जब भी कोई आपको इन्फॉर्मेशन पास ऑन होती है आपके पास आती है तो आपने उस क्वेरी और कमेंट का प्रॉम्प्टली रिस्पोंड करना बहुत जरूरी है आ, जो भी स्टेक होल्डर से इंफॉर्मेशन मांगी जाती है वो एग्रीएबल टाइम पीरियड में आपको देना जरूरी है टू बिल्ड गुड रिलेशनशिप आल्सो रिमेंबर पास द इंफॉर्मेशन जो भी आप इंफॉर्मेशन पास कर रहे हो वो जिस पर्सन ने मांगी है या जिस पर्टिकुलर पर्सन ऑथोराइज्ड है उसके लिए उसी को ही आपने वो इंफॉर्मेशन पास ऑन करनी है किसी भी दूसरे पर्सन को पास ऑन नहीं करनी है बिकॉज ये प्राइवेसी का मैटर है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के वर्किंग का नाउ पी सी टू कीप द इंफॉर्मेशन इज रिटन इन रिटर्न डॉक्यूमेंट एज रिक्वायर्ड बाई द ऑर्गेनाइजेशन सो हमें पता है हम जानते हैं कि कम्युनिकेशन के बहुत सारे मॉड्स हैं लाइक बर्बल है नॉन बर्बल है अपवर्ड है डाउनवर्ड है हॉरिजॉन्टल है ऑर्गेनाइजेशन में इस तरह से कम्युनिकेशन होती है सो so, जो भी इंफॉर्मेशन जो भी आप इंफॉर्मेशन जो हैं पास ऑन कर रहे हैं तो वो इंफॉर्मेशन uh, जो हैं वो रिटर्न डॉक्यूमेंट्स में भी होनी चाहिए क्योंकि कुछ इंफॉर्मेशन है जो रिटर्न डॉक्यूमेंट्स में संजो कर रखना बहुत ज़रूरी है ऑर्गेनाइजेशन के लिए फॉर फ्यूचर रेफरेंस है ना और रिटर्न इंफॉर्मेशन एक ऐसी है जिसका वी हैव प्रूफ जो कि हम फ्यूचर में भी यूज़ कर सकते हैं और उसका प्रूफ होता है है ना उसको झुड़ा नहीं सकता रिटर्न प्रूफ हो तो उस पर वर्क किया जा सकता है फॉर एग्ज़ाम्पल डेली जो सेल्स रिपोर्ट है उसको आप किसी रिटर्न डॉक्यूमेंट में रखनी है सो दैट के हम ऐट द एंड ऑफ द वीक और मंथ और जो क्वार्टरली हाफ ईयरली जो है ये इन्फॉर्मेशन निकाल कर निकाल सकें एक्सट्रैक्ट कर सकें ठीक है सो रिटर्न फॉर्म में होना बहुत जरूरी है आज के डेट में पहले ये रजिस्टर्स और पेपर्स भी होता है आज के डेट में मैक्सिम वर्क ये सॉफ्टवेयर पर हो रहा है या ई मेल्स हो रहा है है ना रिटर्न फ पीसी थ्री है पीसी थ्री में बोलते हैं मेंटेन द कम्युनिकेशन मीडियम इन लाइन विद योर इंस्ट्रक्शन एंड ऑर्गेनाइजेशन प्रोसीजर सो जो भी टाइप ऑफ कम्युनिकेशन मीडिया एक ऑर्गेनाइजेशन फ्लो करती है यूज टू फ्लो इट्स वर्किंग इन्फॉर्मेशन अक्रॉस ऑर्गेनाइजेशन वही मीडिया जो है इन लाइन होता है ऑर्गेनाइजेश uh, प्रोसीजर और इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग सो वन शुड फॉलो द इंस्ट्रक्शंस एंड procedure of the organization for communication है ना तो करनी चाहिए है ना जो इन लाइन है है ना जिस काम के लिए रिटर्न होगा वो रिटर्न वोम में जो बरवली होगा वो बरवली पी सी फोर मेक श्योर द कम्युनिकेशन इक्विपमेंट यू यूज़ इज इन वर्किंग प्रॉपरली टेक करेक्टिव एक्शन एज रिक्वायर्ड सो जो भी कम्युनिकेशन इक्विपमेंट आप यूज़ कर रहे हैं वो प्रॉपर वे से वर्किंग होने चाहिए कम्युनिकेशन इक्विपमेंट इंक्लूड स्मार्टफोन पी सी माइक एट्सेट्रा सो जब भी आप कोई कम्युनिकेशन कर रहे हैं तो ये प्रॉपर वे से वर्किंग कंडीशन भी होने चाहिए बिकॉज बिकॉज अगर आप टाइमली इंफॉर्मेशन नहीं देंगे अपनी स्टेक होल्डर्स को तो कहीं ना कहीं उसका बैड इम्पैक्ट पड़ेगा आपके रिलेशन पे सो so, अगर कोई भी इस तरह की प्रॉब्लम आती है कम्युनिकेशन में चाहे मीडिया ख़राब है चाहे वो कोई अदर ऑब्स्टेकल्स हैं कम्युनिकेशन में तो इमीजिएटली उसको सही करना हमारा फर्ज बनता है पी सी फाइव एक्नॉलेज इन कमिंग कम्युनिकेशन प्रॉपर्टली एंड क्लियरली यूजिंग अप्रोप्रिएट टर्मिनोलॉजी सो so, uh, बोलता है ये ड्यूटी है किसी भी इम्प्लॉय को जिसको भी कम्युनिकेट किया जा रहा है चाहे वो कस्टमर कम्युनिकेट कर रहा, कोई भी स्टेक होल्डर कम्युनिकेट कर रहा है तो ऑर्गेनाइजेशनल इंस्ट्रक्शंस और प्रोसीजर्स के अकॉर्डिंग उसको ड्यूटी बनती है कि वो आ रही कम्युनिकेशन जो भी इंफॉर्मेशन आ रही है कम्युनिकेशन के थ्रू जो भी कम्युनिकेट किया जा रहा है उसको एक्नॉलेज करें उसको ध्यान से देखें और अप्रोप्रिएट टर्मिनोलॉजी और अप्रोप्रिएट वर्ड का यूज़ करते हुए इमिजिएटली उस पर एक्शन लें और टाइम लाइन के अंदर उसका आंसर रिप्लाई करें सो so, जो भी कम्युनिकेशन आप आ, भेज रहे हैं वो क्लियर होनी चाहिए ठीक है क्लियर होनी चाहिए विद प्रॉपर यूज़ ऑफ वर्ड्स और टर्मिनोलॉजी का यूज़ करना है जैसे थैंक यू है ना सॉरी अपॉलोजाइज फॉर समथिंग सॉरी फॉर डिले है ना थैंक्स और रिगार्ड उसमें कोई भी ऐसा वर्ड जो है जार्गन नहीं होना चाहिए बिगवस नहीं होना चाहिए जिसका मीनिंग जो है समझना है झारखंड लैंग्वेज का यूज अवॉइड करने टू द पॉइंट और क्लियर और कंसाइज होनी चाहिए नाउ बात करते हैं हम पी सी सिक्स की पास ऑन इंफॉर्मेशन टू पर्सन हु रिक्वायर इट विद इन एग्री टाइम्स स्केल्स सो जो भी इंफॉर्मेशन आप ऑथराइज किसी पर्सन ने आपसे मांगी है वो इंफॉर्मेशन है एज पर द रिक्वायरमेंट जो एग्जैक्टली exactly पूछा गया है जो इस चीज़ के बारे में बोला गया इन्फॉर्मेशन उसके अकॉर्डिंग ही आप ऑथराइज पर्सन को पास ऑन करें टाइम स्केल के अंदर जो भी टाइम लिमिट दी गई है नाउ चेक द to ensure that the information give you give is understood by the receivers. so जो भी आप आ, information देते हो उसका जो भी आप communicate करते हो तो उसको evaluate करने का सही तरीका यही है कि वो दूसरे को से decode हो पाई है या नहीं है तो इसका feedback के without possible नहीं है ठीक है सो so, फीडबैक जो है वो जो भी फीडबैक है वो कैसे लिया जा सकता है एक तो बाई कॉलिंग मीटिंग मीटिंग को कॉल कर लेते हैं चेकिंग अंडरस्टैंडिंग इन द मीटिंग समराइजेशन करवा लो या टाइम फ्रेम के अंदर उस पर्टिकुलर कम्युनिकेशन का रिस्पॉन्स मांगो या इन, ए, ए, जो ऑर्गेनाइजेशन की इनलाइन इंफॉर्मेशन चेकिंग वर्किंग प्रोसीजर है इन लाइन विद द इंफॉर्मेशन जो वर्क है उसको चेक करो कि वो प्रॉपर हो रहा है जैसा कि इंफॉर्मेशन में कम्युनिकेट किया गया है तभी हमें पत, पता चल सकता है कि रिसीवर को समझ आ गया है इंफॉर्मेशन या नहीं आया है नाउ पी सी सेवन पी सी एट है हमारे पास पी सी एट इज़ टेक प्रॉम्प्ट एंड इफेक्टिव एक्शन वैन देयर इज़ डिफ़िकल्टी इन ट्रांसमिशन और रिसिप्शन ऑफ इंफॉर्मेशन सो ये कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है ऑलवेज रिस्पॉन्म्पर्ली टू अवॉइड एनी लॉस ठीक है और जब भी कोई इंफॉर्मेशन में कोई भी ना बैरियर आ रहे हैं ऑबस्टेकल्स आ रहे हैं तो इमिजिएटली उसको रिमूव करने की कोशिश करनी है सो दैट की जो प्रॉब्लम आ रही है वो फ्यूचर में ना आ सके और स्टेक होल्डर्स के को टाइमली इंफॉर्मेशन जो है वो पास ऑन हो जाए जिनको एग्जैक्टली exactly वो इंफॉर्मेशन चाहिए ठीक है अगर प्रॉब्लम आ रही है तो इस इमीडिएट बेसिस पे इसको सॉल्व करना हमारा फर्ज बनता है सो होप यू अंडरस्टैंड द एलिमेंट वन अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल एक रिटेल मैनेजमेंट स्किल्स क्लासेस बाय ए के एम को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें थैंक यू